तो इसका आसान हल बताया था, ये तो बहुत मुश्किल है आप जो बता रहे हैं कि तरमीम करो, फिर इलेक्शन में जाए, फिर अक्सरियत ना हो, फिर मेयर बने। या सबसे आसान काम है अपने नाम के साथ लगा ले मेयर हाफिज नईमुर रहमान, सारी जिंदगी जो है वो मेयर ही रहेगा, इलेक्शन इलेक्शन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ हर आदमी चैंपियन बन जाता है और ये बहुत आसान है कि पीपल्स पार्टी बैशिंग करो और ताकि कराची में अपने नंबर बढ़ाओ। तो मुख्तलिफ जमातें वो बजाय इसके कि फेडरल गवर्नमेंट को बात करें जिन्होंने मरदमशुमारी कराई है, मरदमशुमारी पर जो एतराज़ आते हैं उसका इल्ज़ाम भी सिंध हुकूमत पर लगाते हैं। भाई सिंध हुकूमत तो पहले एतराज़ उठा रही है, MQM वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, हम भी वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी वहाँ उठाइए, लेकिन मरदमशुमारी के अमल में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। हाँ, हमने जहाँ जहाँ महसूस किया कि ये दुरुस्त नहीं हो रही हमने उस पर आवाज़ उठाई और आज भी हमारा एतराज़ मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्ला खान, नसरीन जलील साहिबा, तारिक हसन साहब, ये मेंबर्स नहीं थे काउंसिल के और वो इलेक्ट होकर फिर बन गए। अच्छा, उस वक्त वो 6 महीने वाली शर्त भी नहीं थी, एक मरतबा इलेक्ट हो जाए तो वो कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने उसको मज़ीद थोड़ा बेहतर किया कि हमने ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी कि मेंबर बने, लेकिन हमने शर्त लगा दी कि 6 महीने के अंदर अंदर उस उम्मीदवार को अगर वो कामयाब हो जाता है तो उस काउंसिल का मेंबर बनना है। तो अब जो बात जमात इस्लामी पहले से कह रही थी, जो बात MQM पहले से कह रही थी, जो बात और जमातें पहले से कह रही थीं, वो अब आकर उसकी मुखालफत कर रही हैं, ये समझ से बाहर है। जो दूसरी बात उन्होंने कही उसमें जमात इस्लामी नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन की जमातें जो असम्बली में मौजूद हैं, जब ये तरमीम आई तो किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की और ये तरमीम अक्सरियत राय से नहीं, इत्तफाक़ राय से जो है वो मंजूर हुई। अब एक ऐसा कानून जो इत्तफाक़ राय से असम्बली ने मंजूर किया हो, जिसमें जमात इस्लामी का वोट भी हो, जिसमें PTI का वोट भी हो, जिसमें GDA का वोट भी हो, जिसमें MQM का वोट भी हो, जिसमें TLP का वोट भी हो, अब अगर जाकर उसको कहते हैं अदालत के सामने रखें तो अब इससे एक चीज़ साबित होती है। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई अगर बकौल हाफिज़ नईम साहब के कि उनके पास 130 मेंबर अपने हैं और 63 मेंबर PTI के हैं तो आपकी तादाद 193 बन जाती है, तो आपको तो बेचैनी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए कि जी आज कराओ इलेक्शन ताकि वो मेयर बन जाएं। लेकिन अगर वो अब अदालत में जाकर इस पूरे अमल को ताखीर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इससे कम से कम हमारी एक बात तो साबित हो रही है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। जो हमारे यहाँ डेथ ग्रांट दी जाती थी 5 लाख रुपए थी, वो उसको हमने कुछ अर्सा पहले बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया था। खुदा ना खास्ता अगर किसी वर्कर की डेथ होती है जो रजिस्टर्ड होता है हमारे पास CC में या UBI में, तो उसकी फैमिली को पहले 5 लाख रुपए हम देते थे और 5 लाख रुपए वो इदारा भी देता है जिसमें वो मुलाजमत कर रहा होता है, लेकिन हमने लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से 5 लाख को बढ़ा के 7 लाख कर दिया है। एक और जो बेनिफिट हम देते हैं वो बच्ची की शादी पर मैरिज ग्रांट की मद में वर्कर्स को दिया जाता है, वो 1 लाख रुपये था, एक बच्ची के लिए 1 लाख रुपये, उसको हमने 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख रुपये कर दिया। फिर हम जो इन मज़दूरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको यूनिफॉर्म और बस्ते की मद में या जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती हैं 6,000 रुपये पर बच्चा हम देते थे, अभी हमने उसको 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड की डेवल्यूशन है, 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम महकमे डिवॉल्व होने चाहिए थे लेकिन अभी तक वो डिवॉल्व उस तरह से हुए नहीं है जिस तरह की हम जो आईन कहता है। उसमें हमने मुख्तलिफ मौाक़ों पर इस इशू को रेज़ किया, CCI में रेज़ किया, फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर रेज़ किया, लेकिन वहाँ हमेशा ये जवाब आ जाता है कि जी KPK जो इसकी मुखालफत करता है कि वो कहता है कि डिवॉल्व नहीं होना चाहिए, या कुछ चीज़ों पे बलूचिस्तान ये कहता है कि वो डिवॉल्व नहीं होना चाहिए, या EOBI कहता है, इवन पंजाब कहता है कि ये डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर कोई और सूबा तैयार नहीं है तो उसकी सज़ा सूबा सिंध को नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट हमने समरी मूव की है जो CCI के लिए हमने भेजी है उसमें हमने ये दरख्वास्त की है कि EOBI और वर्कर वेलफेयर फ़ंड को सूबा सिंध की हद तक डिवॉल्व कर दिया जाए, मतलब ये कि जो सूबा तैयार है उसके तक डिवॉल्व कर दें, बाकी कोई सूबा अगर विफाक के साथ रहना चाहता है वो डिवोल्यूशन नहीं चाहता है तो ये उसकी ख्वाहिश है, उसकी मर्ज़ी है,
उसको आप ना कीजिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अब नया केस हमने सामने लेकर गए उस पर मुझे 100% उम्मीद है कि अब कोई जवाब वफाकी हुकूमत के पास या CCI के फोरम पर ये नहीं होगा कि वो इनको डिवॉल्व ना करें। वोटिंग हो, हलफ बर्दारी हो, जो लोग पुलिस की तहवील में हैं, जेलों में हैं, उनको यकीनी बनाना कि उनका ओथ हो जाए, उनका वोट हो जाए, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। वो वोट किसको देते हैं नहीं देते हैं ये उनका मसला है, लेकिन उस दिन उनकी हाजिरी यकीनी इंशाल्लाह ताला बनाएंगे।